सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं राजू जोशी, जोशी प्रॉपर्टी में आपका स्वागत करता हूं। तो हम आज आपके लिए लाए हैं एक बेहतरीन कॉम्प्लेक्स, जो कि है खुशी टावर। द खुशी टावर आरटीओ रोड हल्द्वानी में है। ये प्रॉपर्टी मेन हाईवे पर है, जो कि कमर्शियल काम के लिए काफ़ी अच्छी डील है। इस प्रॉपर्टी में आपको मिलता है एक बहुत बड़ा पार्किंग एरिया, जहां आप एक से ज़्यादा गाड़ियों को पार्क कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है, और यहां आपको चार दुकानें और सेकंड फ्लोर में 2 BHK रूम सेट मिलेगा। अब हम बात करें दुकानों की, तो इसका फ्रंट 11 फीट का और डेप्थ 30 फीट की है। साथ ही अगर आप इन चार दुकानों को और 2 BHK सेट को रेंट पर लगाते हैं, तो आप आराम से 60 से 70 हज़ार हर महीने कमा सकते हैं। इस प्रॉपर्टी से पाल कॉलेज, शिवालिक स्कूल और हल्द्वानी आरटीओ का ऑफिस भी काफ़ी नज़दीक है, और साथ ही साथ आपको आसपास सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। चारों दुकानों का एरिया आपको बराबर मिलेगा, जिसमें से 2 दुकानें ग्राउंड फ्लोर पे हैं और 2 दुकानें फर्स्ट फ्लोर पे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ आपको सेकंड फ्लोर पे 2 BHK रूम सेट मिलेगा, जिसका इंटीरियर काफ़ी वेल डिज़ाइंड है। इस सेट में स्पेशियस बालकनी है, जो ड्राइंग रूम और हॉल से कनेक्टेड है। मॉड्यूलर किचन है। इसके अलावा एक बाथरूम आपको लॉबी से अटैच मिलेगा, और साथ ही साथ मंदिर भी लॉबी से अटैच है। और यहाँ आपको 10x15 की लॉबी मिलती है, 8x10 का किचन। इसमें 2 बेडरूम्स हैं, जिनमें से एक के साथ अटैच्ड बालकनी और दूसरा फुली फर्निश्ड बाथरूम है। और जो रूम है, उनका एरिया लगभग 11x12 का है। पूरे घर में शानदार फॉल सीलिंग का काम किया गया है। टेरेस की बात करें, तो यहाँ आपको एम्पल स्पेस मिलती है सामान रखने के लिए। टेरेस का व्यू शानदार है, जहाँ से आपको हल्द्वानी के पहाड़ और पूरी सिटी का व्यू मिलता है। साथ ही सर्दियों में आप यहाँ धूप का आनंद ले सकते हैं। और अगर आप यहाँ विजिट करना चाहते हैं, तो इसकी लोकेशन हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और साथ ही साथ आपको स्क्रीन पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा होगा, आप इससे भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर इस प्रॉपर्टी का आपको प्राइस जानना है, तो हमारा नंबर स्क्रीन में शो हो रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जोशी प्रॉपर्टी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।